गेन होता है, और वेट गेन के साथ उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। इसमें मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जो मैंने आपको पीसीओडी में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करने के लिए मैंने आपको वरणादि कषाय और कांचना गुग्गुल का प्रयोग बताया है। अगर इस कंडीशन में आपको एम्योरिया होता है तो एम्योरिया को दूर करने के लिए मैंने अशोकारिष्ट का नाम बताया है। अशोकारिष्ट का प्रयोग करिए 3-3 चम्मच दिन में 3 बार, 3 चम्मच पानी के साथ, और कपालभाति करिए। ये एक ऐसे ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि पेशेंट के पीसीओडी में जब भी ये एमनोरिया की प्रॉब्लम आती है वो दूर कर देता है। अशोकारिष्ट आप लोग को सुनने में ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ही कॉमन कष है, आसावरिष्ट है, लेकिन नहीं, बहुत पावरफुल है। आप महीना भर लीजिए, आप देखिए इसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिलता है। अशोकारिष्ट आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि आप वरणादि कषाय कांचना गुग्गुल के साथ आप अशोकारिष्ट लीजिए, आपको एमनोरिया की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके साथ अगर रजा प्रवर्तनी वटी भी आप ले सकते हैं, दो दो गोली दिन में 2 बार लीजिए, ठीक हो जाएगा 20 दिन के लिए। हाँ सर 20 डेज के लिए लेनी है रज प्रवर्तनी हाँ वटी? जी हाँ, 20 डेज के लिए आप लीजिए, लेकिन ये आप धूत पापेश्वर वैद्यरत्नम कोटिकल इनका लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन है पूछिए आप। देखिए बहुत ही कॉमन डिजीज है ये, आपको हर जगह ऐसे डिजीज के पेशेंट मिलेंगे। तो अगर मन में कोई, आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट है आपके माइंड में, तो आप पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अगर यहाँ पे एक पेशेंट आया था तो उनको प्रेगनेंसी में पहले जो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो करवाई थी यूएजी, तो उसमें जो फीटस का हार्ट था वो डेवलप था, तो फिर ओके जब उन्होंने दूसरी बार करवाई तो वो अंडर डेवलप था, ब्लाइटेड ओम आया था, तो ओके उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं और ट्रीटमेंट उसका क्या हो सकता है? देखिए, ये जो हार्ट बीट का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं से मदर की जो डाइट है, मदर की डाइट पे डिपेंड करता है। देखिए, माँ तो प्रेग्नेंट हो गई, भाई प्रेग्नेंट होना है बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद माँ का खुराक कैसा है, उसका डाइट कैसा है, अब वो खाना टाइम पे नहीं लेगी, वो तो जो हमारा एमनियोनिक फ्लूड है वो नहीं बना, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद में शतावर हो गया उसको दीजिए, उसको गौ का, गाय का दूध दीजिए, है ना, उसको अश्वगंधा दीजिए, इसके साथ उसको अश्वगंधा अवलेह दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो बच्चे का हार्ट बीट आगे चल के कम होता है, वो इसका यही रीजन है, बिकॉज ओनली जो मदर है उसके अंदर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आना, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आना, इसलिए माँ का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। और बच्चों के लिए मैंने आपको बोला ना कि पुंसवन कर्म कराते हैं, पुंसवन कर्म मैंने इसीलिए बोला बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पुंसवन कर्म हम सिर्फ सेक्स चेंज के लिए करते हैं, गलत धारणा है लोगों के अंदर। और मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि इस पुंसवन कर्म से हम बच्चे को स्वस्थ बनाते हैं, माँ को स्वस्थ बनाते हैं। तो पुंसवन कर्म आप पुष्य नक्षत्र के दिन करिए, धन्वंतरी मंत्र के साथ, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, माँ के डाइट को आप चेंज करिए, माँ को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए, जैसे थोड़ा सा वज्रासन है, हलासन है, इन सब चीजों में करवाइए, आप बच्चा एकदम फिट हो जाएगा। सर ठीक है अशोकारिष्ट सर हमारा मेनोरेजिया और एमनोरिया दोनों पे हेल्पफुल है? जी हाँ, दोनों में हेल्पफुल है। मैंने आपको बोला कि योनि व्यापद विकार कोई भी है, ल्यूकोरिया हो गया, एमोनोरिया हो गया, है ना, तो इन सब में अशोकारिष्ट काम करता है। बेशक थोड़ी चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आपका एमोनोरिया हो गया तो इसमें हम अशोकारिष्ट दीजिए, रजा प्रवर्तनी के साथ जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। पीसीओडी का मैंने बताया, तो वरणादि कषाय कांचनार के साथ आप ये दीजिए, अशोकारिष्ट जल्दी इम्प्रूवमेंट करता है। तो अशोकारिष्ट का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है, आपको कोई भी अगर योनि व्यापद विकार है सब में अशोकारिष्ट काम करता है। जी हाँ, पूछिए, एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये पुत्रन जीवक और शिवलिंग की चूर्ण जो है सर, ये कौन से ब्रांड का लेना चाहिए? देखिए ये हमारे पतंजलि में भी आता है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको ये पंसारी की शॉप पे जाके अच्छे से उसको देख के लीजिए, और
इसका तरीका क्या है, आप इसके बारे में द्रव्य गुण में देखिएगा कैसे प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। पंसारी वाले रखते हैं, इसको लाइए अच्छे से, उसको ड्राई करिए, ग्राइंड करिए, पाउडर बनाइए, यूज करिए, है ना। वैसे पतंजलि वाले ही, पतंजलि में मिलता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो 100% जो है वो प्योर होगा। आपको प्योर अगर यूज करना है तो आप पंसारी से लेके आइए, उसको अच्छे से ड्राई करके, ग्राइंड करके यूज कराइए पेशेंट को, जल्दी इफेक्ट मिलेगा, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर हमारे पास एक फीमेल पेशेंट थी, ओके वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उनका एचएसजी करवाया था, ओके तो हिस्टेरिया सेल्फ एंजियोग्राफी, तो उसमें जो है उसकी लेफ्ट और राइट दोनों ट्यूब्स जो है उसमें ब्लॉकेज शो हो रहा था, ओके। तो सर उस केस में हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए ये जो है आपका फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आना होता है, ठीक है, यस इसको बोलते हैं यस फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आना। देखिए इसका यस तरीका सिर्फ एक ही है जिसको हम उत्तर बस्ती के नाम से जानते हैं, उत्तर बस्ती, ठीक है। उत्तर बस्ती आप प्रयोग में लाइए, कपाल भाती बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कपाल भाती करते हैं आप देखिए हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गेन्स हैं उन पे एक प्रेशर पड़ता है ना। आपने कभी किया है कपाल भाती, आपने देखा है जब हम यस कपाल सर भाती करते हैं तो पूरे ऑर्गन पे प्रेशर पड़ता है। तो कपाल भाती एक ऐसी प्रक्रिया है जो फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करता है। इसके साथ वरुणादि कषाय का आप प्रयोग करिए, वरुणादि कषाय बहुत हेल्पफुल होता है, ये दोनों आप साथ में करिए। देखिए मॉडर्न में तो बहुत चीजें हैं लेकिन पेशेंट इरिटेट हो जाता है और जल्दी सक्सेसफुल भी नहीं होता, आगे चल के वो माँ नहीं बन सकती पेशेंट, तो वो ऑपरे सर्जरी करके बोलते हैं हम सर्जरी कर देंगे और बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो इन सब चीजों से आप दूर हटके आयुर्वेदा चलाइए, उनको वरुणादि कषाय दीजिए, कपाल भाती कराइए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी हो जाएगा, 2 से 3 महीने लग सकते हैं ठीक होने में। थैंक ओके अनदर क्वेश्चन। सर, अगर एग का साइज ही ना ग्रो करता हो तो हम क्या दे सकते हैं? देखिए एग के साइज के लिए मैंने आपको बताया कि पुत्र जीवक और ये जो हमारा शिवलिंगी है ये एग के साइज को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, पुत्र जीवक और शिवलिंगी। इसके साथ हमारा जो, देखिए एग का साइज ना होना कहीं ना कहीं से हमारे शरीर की कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे हम उसको शोधन कर्म करा के भी ठीक कर सकते हैं, उसमें उत्तर बस्ती बेस्ट है। आप उत्तर बस्ती करा के अगर कंसीव कराते हैं तो जो एग का साइज नहीं बढ़ता हो सकता है। इसके साथ जो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है चूर्ण का, शतावरी, अश्वगंधा, है ना, और यस सर यस हाँ गाय के दूध के साथ आप इसको फीमेल को दीजिए और उत्तर बस्ती कराइए। उपगाम भारी का प्रयोग है उसमें और इसमें आपका कुटज है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सर एक्चुअली आई, अगर हाँ बोलिए। HSG करवाने के बाद दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो तो हाँ हम जी देखिए वरुणादि कषाय जो हम उनको देंगे वो कितने टाइम तक देना होगा? वरुणादि कषाय का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 2 से 3 महीना चलेगा। आयुर्वेद में आपको मैं बता दूं सडनली फायदा नहीं मिलता, अगर आप ये सोचें कि हफ्ते भर में ही पेशेंट ठीक हो जाए, नहीं होगा। मेरे खुद के पेशेंट ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन महीने तक सेम ट्रीटमेंट लेके बाद में ठीक हो जाते हैं। एक्चुअली मेरा मानस रोग और इनफर्टिलिटी दोनों में मेरा जो भी जो मैक्सिमम मैंने काम किया है वो इन दोनों पे ही काम किया है, तो ये मान के चलिए 2 से 3 महीने तो लगने ही लगने हैं पेशेंट को ठीक होने में। जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, आराम से 2 से 3 महीने का कोर्स देना ही होगा और बीच में गैप नहीं करना है। सर खाली वरुणादि कषाय ही देंगे 2 से 3 महीने वरुणादि कषाय के तक? साथ कपाल भाती याद थैंक यू रखिएगा, सर। बिना कपाल भाती के पेशेंट ठीक नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिसमेनोरिया में हम क्या दे सकते हैं? अशोकरिष्ट उसमें भी देना है? हाँ जी उसमें भी आप अशोकारिष्ट दीजिए, अशोकारिष्ट थैंक यू दीजिए सर थैंक यू सर। जी हाँ, लेकिन कपाल भाती जरूरी है, योनि व्यापद रोग कोई भी है कपाल भाती करते रहिए।
ओके सर, थैंक यू. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. जैसे कि जो जिस फीमेल में अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट रहता है यूट्रस में, जैसे सेप्टेट यूट्रस या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की अगर हम बात करें, तो उसमें भी मिसकैरेज होता है, तो अगर वो जो बाइकॉर्नेट यूट्रस या सेप्टेट यूट्रस है वो भी सर बस्ती से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो मुझे लगता है सर्जिकल वो चाहिए प्रोसीडर. सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ. जैसे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आते हैं यूट्रस में, आपने सुना होगा मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, उसमें एक कांटों की जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि बच्चा कंसीव जब भी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मदर का इन मिसकैरेज हो जाता है. तो ऐसी चीजों के लिए हमारे आयुर्वेद में वस्ती कर्म बताया गया है. वस्ती में क्षार वस्ती का प्रयोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा. क्षार वस्ती एक ऐसी वस्ती है जो कि इस तरीके के फाइब्रॉइड्स को दूर करता है, उनको डिजोल्व करके दूर भगा देता है. लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा, ध्यान से सुनिएगा. क्षार वस्ती का प्रयोग करिए, जो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे. ओके, थैंक यू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सुमित जी, किसी को और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. बहुत अच्छा सेशन लगा, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि आप. क्योंकि आने वाला जो हमारा समय है वो आयुर्वेद के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं कोशिश, आप लोग कोशिश करिए आयुर्वेद को अगर आगे बढ़ाना है तो आप प्योर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करिए. हर चीज का इलाज है आयुर्वेद में, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में नहीं है. जी जी सर. ओके, अगर किसी को और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी सर से. हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं इन फ्यूचर आप लोग मेरे कांटेक्ट में, मैं फिर अगर मुझे चांस मिला, तन्वी मैडम अगर मुझे बुलाएंगे, मैं कभी भी रेडी हूँ आप लोगों को ऐसे कोई ऐसे टॉपिक जो आप लोग चाहेंगे, मैं हमेशा रेडी हूँ आप लोगों के लिए. श्योर सर, हम मैम से जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे. श्योर. एनी फर्दर क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर. मैं पूछना चाहती हूँ ल्यूकोरिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए, ल्यूकोरिया का मैंने पहले बताया, इसमें वाइट डिस्चार्ज होता है. वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? उसका रीजन होता है कि बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का होना. हमारे मॉडर्न में वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे हमारा ये डॉक्सीसाइक्लिन हो गया है ना, और एंटी फंगल जो कैप्सूल्स आते हैं वो यूज करते हैं. लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में आप पुष्प धनवा, जो मैंने नाम लिया है पुष्प धनवा, आप लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए अगर नहीं मिलता है. आप वेद रत्नम का आता है पुष्प धनवा, इसको आप शहद के साथ एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम लीजिए, हफ्ते भर में आपका ये जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी. इसके साथ आप अशोकारिष्ट लेते रहिए. अशोकारिष्ट आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू लेना है, छोड़ना नहीं है. और हाइजीन मेंटेन करना है, जैसे आप कॉटन के कपड़े यूज करिए, गंदगी में नहीं, उसको क्लीन रखिए. और आप त्रिफला जो है उससे आप त्रिफला सोरस जो है त्रिफला को आप बॉयल करिए, त्रिफला चूर्ण को हल्का जब गुनगुना होता है उससे आप प्रक्षालन करिए, तो इससे आपका ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है. पुष्प धनवा और आप. हाँ जी जी हाँ. और कोई क्वेश्चन सर? अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में अगर सिर्फ नॉजिया होता है एंड पेशेंट को वॉमिट या ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है सर, वो नॉर्मल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है? ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल. आप उसमें फलत्रिक आदि को आप यूज कराइए, पेशेंट ठीक हो जाएगी. ओके, थैंक यू. डीके मिश्रा सर, नमस्ते सर. हम लोग के बीच में डीके मिश्रा सर है, वो मेरे भी गुरु जी रह चुके हैं गाय चिकित्सा में. नमस्ते सर. और कोई क्वेश्चन?
एनी अदर क्वेश्चन? नमस्कार सर, प्रणाम सर, मिश्रा सर प्रणाम, बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के। यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप आयुर्वेद को फॉलो करके पेशेंट को ठीक करिए। कैसा भी मैंने इतने सारे प्रॉब्लम आपको, जो भी हमारे आयुर्वेद में प्रॉब्लम है इन्फर्टिलिटी से रिलेटेड, वो उसकी आयुर्वेद चिकित्सा मैंने आपको बोली है, ये कहीं ना कहीं से आपको आपके लाइफ में काम आएगी। आप पेशेंट को प्योर आयुर्वेदा के तरफ फॉलो कराइए, पेशेंट ठीक होगा, 101% पेशेंट ठीक होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे ट्रीटमेंट देना है। और मैं लास्ट में आपको फिर से धन्वंतरी भगवान का वो मंत्र उच्चारण फिर से बोलूंगा जो मैंने आपको बोला था, इसका उच्चारण करके करिए। और मैं सोचता हूँ कि उसका मैं बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशाय श्री त्रैलोक्यनाथाय ओम महाविष्णुवे नमः। आप इसका प्रयोग करिए घर में, चैंटिंग करिए, पेशेंट ठीक होगा। ओके, फिर सेशन कंप्लीट हुआ। और कोई क्वेश्चन है? पीसीओडी में वेट गेन ही होता है? जी हाँ, पीसीओडी में वेट गेन होता है। देखिए हार्मोनल जब डिसबैलेंस होगा हमारे बॉडी में, फीमेल्स में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जब आप पीसीओडी के पेशेंट का आप T3, T4, TSH करवाइएगा तो देखिए वो कहीं ना कहीं से बढ़ा होगा, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में वेट बढ़ने लगता है, नॉर्मल वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको पिंपल्स आएंगे, वेट बढ़ेगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा, उसको उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में हम जब उसका यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं तो वो पीसीओडी निकल के आता है। तो इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में जो मैंने बोला है, आप उसको वर्णादि कषाय कांचना गुगुल दीजिए, कपालभाति कराइए, ठीक हो जाएगा। वेट ऐसा नहीं है कि सडनली बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वेट इंक्रीज होगा। ओके सर। जी हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, मुझे लगता है सेशन कंप्लीट हो गया है, सबका डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जी सर, कंक्लूड करते हैं सर फिर। हाँ हाँ, आप करिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से सर यू टुक टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल और आपने दोबारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी सर काफी अच्छा लेक्चर रहा था। ओके काफी अच्छा रहा था, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर जम्मू। ओके, एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय डीपेस्ट रिगार्ड्स टू यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, वेलकम वेलकम, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके नमस्कार।